घुया है, मैंने 3 महीने पहले इसको गड़ाया, और ये किस तरीके से गड़ाई थी ये मैंने पिछली वीडियो में डाली थी, किस जो है थरा बना के इसको गड़ाया था। कि थरा इसलिए बनाते हैं कि मेरी पानी की भी बचत हो, और घुया अगर जो भी ख़राब हो जाए तो वो मैं उसे निकाल के दूसरी घुया लगा दूँ। इसलिए जो है मैं थरा बना बना के जो है घुया गाड़ी। अब मेरी घुया तैयार हो चुकी है और नराने को भी हो गई है। देखिए कितनी घास, जब ज़्यादा घास हो जाती है तो निकालनी पड़ती है। अब मैं आज घास निकालूंगी, फिर इसको चढ़ाऊंगी। ये चढ़ाने वाली हो गई, जब तक इसको चढ़ाऊंगी नहीं तब तक इसमें घुया नहीं पड़ेगी। तो इसको जो है चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैंने अब इस तरीके से ये घास निकाल दी है सारी। अब मैं इसको चढ़ाऊंगी। ये जो घास है मैं फेंकती नहीं हूँ, अब इसकी जो है खाद बना लेती हूँ। जो भी क्यारी तैयार करती हूँ वो जो मिड़ारी बनाती हूँ उसी में जो भर देती हूँ। तो 6 महीने तक सब्जी जब तक तैयार होती है तब तक जो है ये घास गल जाती है बिल्कुल। आगे आने वाली जो वीडियो दिखाऊंगी मैं किस तरीके से मैं ये खाद बनाती हूँ। ये घुया 3 दिन पहले मैंने नराई की थी, इसकी सारी घास निकाली, और अब जो मैं चढ़ाऊंगी इसको। और ये जो है गोबर की खाद है, ये भी साथ में मैं लगाती चलूंगी। इस तरीके से चढ़ा रहे हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अब भी बता रही हूँ कि ज़्यादातर जो है मैं गोबर की खाद ही इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मैंने सारी घुया चढ़ा दी है, अब मैं इसमें जो है पानी चला दूँगी। और पानी खूब अब भरना है पूरा, इसलिए घुया में काफ़ी पानी लगता है। और पहले तो मैंने थरा बना के पानी लगाती थी, अब जब पूरा लेवल कर लिया और चढ़ा भी दी। देखिए इसे अब पानी से भर रही हूँ, और काफ़ी टाइम लगेगा भरने में, इसलिए ये ऊंचाई हो गई इसकी ज़्यादा, तो टाइम लगेगा पानी भरने में। बस भैया इतनी रखो।